ये मेरा लिविंग रूम और किचन का पासिंग वे है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बट घर के बाकी मेंबर्स को बहुत डिस्टर्ब करता है, इवन बच्चे बहुत ही लग जाते हैं, तो मुझे तो ऐसे खुलावा ही पूरे दिन अच्छा लगता है, बट क्या करूँ। मैं फिर जब भी मेरा वर्किंग टाइम होता है तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको इस तरह से नोट लगा करके, रास्ता भी नहीं है ये, बिल्कुल सही है, ये मैंने दिवाली पे लगाया था बट इसे उतारने का मेरा मन नहीं करा तो मैंने इसको ऐसे ही लगा छोड़ दिया। तो जल्दी से अब मैं सब्जी काट लेती हूँ, अपना शीशा पर रख करके गई थी मैं, अच्छे से धो के मैंने इनकी इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। अब जल्दी से हाँ प्रभु से बातें करते करते मैं अपना सीताफल काट लेती हूँ। और आज के लंच में सीताफल की सब्जी और लौकी का रायता और साथ में चपाती बनाने वाली हूँ। हम राइस वगैरह बहुत कम भी नहीं, मतलब हर रोज़ राइस नहीं खाते, बच्चे भी हर रोज़ राइस नहीं खाते, सिंपल ही खाना हम लोग पसंद करते हैं। सही बताऊँ ना, मुझे सीताफल की सब्जी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बट हस्बैंड को, बच्चों को, मदर इन लॉ को, सभी को पसंद है, ठीक ठाक मतलब, तो इसलिए मैं बनाती हूँ और थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छी लगती थोड़ी सी, एक्चुअली खट्टा मीठा सा बनाती हूँ मैं इसको, कि मतलब इसमें मैं लेमन और गुड़ या चीनी वो मिक्स करके बनाती हूँ। लो मेरा सीताफल भी कट गया है, एक बार तो मैंने इसको वॉश कर लिया था बट एक बार और मैं इसको वॉश करने वाली हूँ, वॉश करके तभी मैं इसको बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं किचन में। मैं जब भी बिना ग्रेवी की कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो उसमें जो मसाले डालती हूँ उन्हें पहले हल्का सा पानी में घोल लेती हूँ। ये जो मैंने डाला है, ये हल्दी और धनिए को मैंने हल्का सा पानी में ना घोल लिया था। इससे होता क्या है कि मसाले जलते नहीं हैं। अगर हम ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, किसी प्याज टमाटर की प्योरी वगैरह नहीं बना रहे हैं, ये ट्रिक मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी। मम्मी हमेशा जब भी कोई भी इस तरह की बिना ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हैं तो हमेशा मसाले इसी तरह से डालती हैं। पहले मैं बिना ऐसे ही डाल देती थी तो मेरे जो मसाले हैं ना वो सारे जल जाते थे, सब्जी में थोड़ा सा कलर भी डिफरेंस हो जाता था, ब्लैक ब्लैक कलर आ जाता था। तो आप भी ये टिप ध्यान रखिए, जब बिना ग्रेवी वाली सब्जी में जब भी आप मसाले डालें तो इस तरह से पानी में करके डालेंगे ना तो मसाले कभी जलेंगे नहीं और सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए आधी सब्जी ये मेरी गल गई है, आधी सब्जी गल गई है, ठीक है ना। अभी थोड़ी सी सब्जी गली है तो अब मैं इसमें किसी वक्त इसमें ये डाल दूंगी गुड़, ठीक। आप चीनी डाल दीजिए थोड़ी सी, मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, और सबसे लास्ट में डालूंगी इसमें नींबू सबसे लास्ट में डालूंगी। अब बस इसको इसी तरह से पकने दूंगी, साथ में चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा ना मीठा सा पसंद है ये, तो साथ में थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दीजिए, फिर बाद में अब इसको मैं मिक्स करूँगी। अब इसको पकने देते हैं 5 मिनट इसको रखेंगे, फिर ये अपने आप ही जब हो जाएगा लास्ट में बस मैं इसमें नींबू डालूँगी। देखिए 5 मिनट बाद ना कुछ इस तरह का ये आपको दिखेगा। बस अब ये होने की कंडीशन में हो गया है, ये पूरा इस तरह से हो गया है, काफ़ी हद तक ये हो गया है, बस अब 2-3 मिनट का ही होना है। अब इसको फिर से हम
और ये मैंने इसमें डाल दिया है लेमन जूस। अब बस मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करने वाली हूँ। अब फाइनली मेरी सब्जी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा गरम मसाला और मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए कितने बढ़िया यम्मी सीताफल की सब्जी बनी है। लंच करने के बाद नून में मैंने अपने डाइनिंग टेबल के पास का जो कॉर्नर है उसको डेकोरेट किया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कॉर्नर कैसा लग रहा है। मैंने ये फोटो फ्रेम्स अमेजन से मंगाए थे, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे फोटो फ्रेम्स लगे मुझे ये, और इन्हें जब मैंने अपने ड्राइंग रूम में प्लेस किया तो वाकई में ही एक बहुत ही अमेजिंग सा लुक आया। अभी मैंने इन फोटो फ्रेम्स में फोटोज नहीं लगाए हैं, लॉकडाउन के चलते अभी कोई भी प्रिंटर की शॉप वगैरह खुली भी नहीं है और जाना भी सेफ नहीं है। जैसे ही मैं इनमें पिक्चर्स लगाऊंगी तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर जरूर करूंगी। वानिया ने ना पूरी हेल्प कराई है मेरे साथ में। अगर वानिया नहीं होती ना मेरे साथ में तो मैं कभी भी इतना काम नहीं कर पाती। बाकी भी बहुत हेल्प कराती है मेरी बेटी मेरे साथ में, और काम के साथ साथ एंजॉय भी करती है उस वर्क को, और मुझे भी बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में। आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कॉर्नर कैसा लगा। मुझे तो ये कॉर्नर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मेरी और वान्या की खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं है। जब वान्या बहुत खुश होती है ना तो अपनी खुशी इस तरह से हाई फाई से जाहिर करती है।